प्यास प्यास, कब से आवाजें दे रही हूँ, सुन क्यों नहीं रहे हो? हमें क्या बात है? तो आज नौकरी पे जाना था ना, क्या हुआ, नहीं गए? नहीं गया। क्यों क्यों नहीं गए? भाई मेरे दोस्त ने बताया कि जहाँ मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ वो कई कई महीने तो अपने एम्प्लॉयज को पैसे ही नहीं देते, तनख्वाह नहीं देते, तो मैं ऐसी जगह क्यों काम करूँ? इतना टाइम नहीं मेरे पास। तुम्हारे अंदर खुददारी नाम की कोई चीज बची है या नहीं? कितने बहाने हैं ना तुम्हारे पास नौकरी ना करने के, और 15 दिन से ज्यादा कोई नौकरी कर नहीं सकते तुम। हाँ नहीं करते, लेकिन फिर भी कभी तुम्हें किसी चीज की कमी हुई है यहाँ पे? हर सहूलत है ना तुम्हारे पास इस घर में, आते करो आलो बस। अरीबा के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? मेरी बात सुनो, ये अरीबा कौन होती है तुम्हें बातें सुनाने वाली? तुम्हारी अम्मी का घर है ना, तो तुम्हारा भी हक है इस घर पे, समझे तुम? और वैसे भी अम्मी जान का तुम्हें लाडला दामाद हूँ, उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। लाडला घर दामाद, बात सुनो, ये फजूल किस्म की अगर बातें करनी है ना यहाँ बैठ के, तो जाओ यहाँ से, टीवी देखने दो मुझे। लंच टाइम पे कर लीजिएगा, मैंने टिफिन गाड़ी में रखवा दिया है। अम्मी अम्मी अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा ये सौदे की लिस्ट है, वापसी में ना वहीं से लेकर आना जहां से तुम्हारे अब्बू लेकर आते थे सामान। वहां से? वो बहुत दूर पड़ता है। अच्छा मैं एक काम करूंगा, ऑफिस से वापसी में किसी भी सुपर स्टोर से ले आऊंगा। नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू के होते हुए भी सारा सामान घर का वहीं से आता था, वो लोग एतमाद वाले। अम्मी इतनी आसानी हो गई अब, जगह जगह पे सुपर स्टोर्स हैं। हाँ लेकिन इतना अच्छा सौदा थोड़ी मिलता है हर जगह से, उनकी दालें बहुत अच्छी होती हैं, उनका मसाला। या अम्मी आप कैसी बात, छोड़ो टेंशन मत लो, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं ले आऊंगा। तो अब आप मुझे अपना दामाद नहीं बेटा कहती है, क्या टेंशन है, मैं ले आऊंगा ना। ऑफिस जाओ। थैंक यू। अच्छा साहब, खुदा हाफिज। कल मैं लेट हूँ। चलें। हाँ हाँ तुम रियाज से मिलोगी ना तो बहुत खुश होगी, लाखों में एक है मेरा दामाद। अरे नेक शरीफ, मोहब्बत करने वाला, हर काम में तेज। अरे मैं अपने दामाद की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ सच, जब तुम रियाज से मिलोगी ना तो मेरी चॉइस पे तुम रश करोगी। हाँ आमिर तो मसरूफ ही रहता है, सुबह जाता है शाम में आता है, अपने ऑफिस के कामों में। चलो ठीक है, बस जल्दी आ जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने दामाद से मिलवाती। लाओ भाई लाओ, पहले मुझे दो। लीजिए लीजिए। बहुत लाओ, बहुत शुक्रिया। इतने दिनों से मेरा दिल कर रहा था अखरोट का हलवा खाने का। अम्मी बस ये समझ लें कि आपके बेटे दामाद ने आपकी दिल की आवाज सुनी। तुम मेरे दामाद नहीं हो, बेटे हो। तुम्हारे अंदर इतना खलूस, इतनी मोहब्बत है, इतना रख रखाव। अम्मी आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? आप मेरी कुल कायनात हैं, और ये बात मैं सिर्फ आपके मुंह पे नहीं कह रहा, इसको भी ये कहता हूँ मैं। क्यों जी, अच्छा भाभी अगर आप बुरा ना मनाए तो इसके साथ कॉफी अच्छी लगेगी। लो भला, ये भी कहने की बात है, जाओ बेटा कॉफी बना के लाओ। जी अम्मी। याद आया मुझे, वो आप कह रही थी ना आपके सर में दर्द हो रही है, तो वो वहाँ एक टॉनिक मिल रहा था स्पेशल, उन्होंने कहा कि सर की दर्द के लिए, वो भी ले आया मैं। ये तो कमाल हो गया, मैं इतने दिनों से आमिर से कह रही थी कि लेकर आओ,
इस बेचारे को टाइम ही नहीं मिलता ऑफिस से आते हुए। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, तुम्हारे जैसा दामाद तो नसीब वालों को मिलता है। यार शुक्र है तुम लोगों ने कोई प्लान बनाया, मैं तो घर बैठे बैठे ना बोर हो गया था। हाँ पैसे की फिक्र ना करना भाई, वो यारों के यार है भाई, अभी दिन है बाहर के, समझे तुम। चल करते हैं बात। हाँ हाँ ओके। अरे वाह, आज तो आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। नौकरी तो आपके पास है नहीं, फिर कहाँ जाने के इरादे हैं? ये तुम ताने देना कब बंद करोगी? काम शुरू कर रहा हूँ मैं। अपना काम? जिस इंसान से नौकरी सही से नहीं होती, अपना काम कैसे करेगा? बाथरूम में तुम्हारा ऐसा मसला क्या है? अपना काम शुरू कर रहा हूँ रियल एस्टेट का, समझी तुम? मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी जुबान में जादू है जादू, तुम्हें रियल एस्टेट का काम करना चाहिए, इसलिए वो करने लगा, समझी? आपके जबान के जादू को मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है? बातें करनी आती है इसको और कुछ नहीं। हाँ भाई, हाँ यार वो बेगम आ गई थी। लेकिन आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन भाई अम्मी की भी तो आज अपॉइंटमेंट है ना? आज की बात है ना सिर्फ, एक दिन से क्या हो जाएगा? और ये तो रूटीन चेकअप है ना अम्मी, मैं डॉक्टर से फोन पे कांटेक्ट कर लूंगा, हम आज नहीं कल आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है भाई, देखो अगर आमिर का इम्पोर्टेंट काम है, आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं अम्मी को ले जाऊंगा। वैसे भी वो अलग बात है कि आज मेरे भी एक दो इंटरव्यूज थे, लेकिन अम्मी आपकी सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट ना कुछ भी नहीं। नहीं रियाज भाई, आप इंटरव्यू के लिए जाइए, आमिर कल ले जाएंगे, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए रहमत है, जहमत नहीं है, कैसी बातें कर रही हो? अरे रियाज इतने प्यार से कह रहा है तो मैं चली जाती हूँ इसके साथ। चलो बेटा। आइए मम्मी, आप चलिए मेरे साथ। रिजवान भाई का फोन आया था, बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं सफूरा की शादी को लेकर, इतनी भाग दौड़, ऊपर से वो बेचारे बीमार भी हैं। शादी हॉल मैंने बुक तो करवा दिया था। लेकिन बेटा तुम्हारे मामू की नजरें तुम पर हैं, हमारे अलावा उनका है भी कौन? अब देखो ना, लड़कियों की शादी में इतने सारे काम होते हैं, सफूरा का जहेज, मेहमानों का इंतजाम, ये सब निपटाना कोई आसान काम नहीं है। छुट्टियों के लिए अप्लाई किया था मैंने ताकि मामू का बराबर हाथ बटा सकूं, लेकिन नहीं मिले, क्या करूं? अब ऑफिस के साथ तो ऐसे ही मैनेज कर सकूंगा ना। अम्मी देखिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका बेटा है, अगर एक बेटे के पास टाइम नहीं है तो दूसरा बेटा तो काम आ सकता है ना, आप ये जिम्मेदारी मुझे दे दें और रिजवान मामू से कहें कि सफूरा मेरी बहनों की तरह है, मैं संभालूंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन बेटा तुम्हारी नई नई जॉब है, कैसे मैनेज करोगे? अम्मी जान मेरी जॉब मैनेज करना मेरा काम है, उसकी आप फिक्र मत करें, बस आप रिजवान मामू को कहें कि मैं देख लूंगा सब। शुक्रिया, मैं रिजवान को फोन करके बता देती हूँ। क्या सोच रही हो? मैं सोच भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ।
ये रियाज भाई क्या हर मामले में अपनी खिदमात पेश कर देते हैं, हर जगह आगे आगे रहते हैं, और आंटी को भी अपनी ट्रांस में लिया हुआ है। आमिर, आप आंटी के इकलौते बेटे हैं और आंटी आपको पीछे छोड़कर रियाज भाई को ज्यादा वैल्यू देती रहती हैं। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो आज? देखिए आमिर, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक तो आंटी ने उन्हें घर दामाद बनाकर रखा हुआ है, और ऊपर से मुझे तो उनका काम भी समझ में नहीं आता। अल्लाह जाने वो करते क्या है। इफ्फत की पसंद की शादी है, ये तो तुम्हें पता है। रियाज का आगे पीछे कोई नहीं है तो ऊपर वाला फ्लोर उनको दिया हुआ, तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब जिंदगी भर के लिए उनके हवाले कर दिया। वाह, खैर तुम छोड़ो इन बातों को और मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो प्लीज। आप बहुत ज्यादती करते हैं अम्मी। क्या मतलब है तुम्हारा? बेटा हूं मैं आपका। रियाज के सामने ये एहसास दिलाती है कि मुझ में कोई एबिलिटी नहीं है। मैं सब जानती हूँ, ये सारी बटियां तुम्हारी बीवी तुम्हें बढ़ाती है। अरे रियाज तुम्हारी बहन का शौहर है, तुम्हारा बहनोई है। बजाय इसके कि तुम उसकी इज्जत करो, तुम उससे हार खा रहे हो। जो काम तुम बहस किए बगैर नहीं करते हो, रियाज सारे काम इतनी खुशी खुशी करता है। अभी शादी में देख लो कैसे भाग भाग कर उसने सारे इंतजाम किए, पूरा खानदान कितना खुश था। घर पे चोरी भी हुई है मालूम हुआ आपको? हाँ, तो उसने भाग दौड़ करके चोर को पकड़वा दिया था ना भाई। अब शादी वाले घरों में तो लोग ताक लगा के बैठे भी होते हैं। तो फिर चोर से माफी मंगवा के भगाया किसने? पुलिस के हवाले भी कर सकता था, आपको समझ क्यों नहीं आती है? इसे समझाओ ना जो तुम्हारे कान भरती है। बेकार है कुछ भी कहना आपसे, चलो। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, बस इन्हें ही अकल है, बाकी सारे बेवकूफ हैं। इसलिए कहता हूं तुम्हें सलीके से काम किया करो। मैं तुम्हें सब कुछ बता तो दिया था कि कहां गोल्ड पड़ा हुआ है, कहां कैश पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी। खैर चलो, बच तो गया हो ना तुम। अब ये बताओ कि मेरा हिस्सा कितना बना है? क्या 70,000? चलो ठीक है। पता नहीं भाई मैंने कौन सी नेकी की थी जो अल्लाह ने उसके बदले में मुझे इतना अच्छा दामाद दिया है। सच मेरे आगे पीछे घूमता है। अम्मी चलो मैं बात करती हूँ। आ जाओ आ जाओ बेटा, कोई काम है? ये मैं आपके लिए लेके। रियाज ये क्या बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह तुम रोज रोज कुछ ना कुछ मेरे लिए ले आते हो। अम्मी कम से कम आप तो ये बात मत करें, अगर मेरे बस में हो ना मैं दुनिया की सबसे कीमती चीज ना आपके कदमों में ला कर रखूं। अल्लाह मेरे बेटे को लंबी उम्र दे। मैं अभी फोन पे बानो को यही कह रही थी कि मेरा बहुत अच्छा दामाद है और वो भी ना कल आना चाह रही है घर पे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। बेटा कल घर पर ही हो ना? नहीं, बहुत मुश्किल होगा, आपको तो पता है नया बिजनेस है, उसी में लगा हूँ। कल भी आज भी बस मीटिंग ही मीटिंग चल रही है, और आपको तो पता ही है कि पैसे की तो जरूरत है। इफ़त और मैंने कुछ थोड़ा बहुत कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी टेंशन तो है। टेंशन मत लो बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी लिखी है। तुम दिल लगा के काम की तरफ तवज्जो दो, अल्लाह उसमें बरकत देगा,
और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरे होते हुए तुम्हें क्या टेंशन? ये बात क्या के ना सारी टेंशन दूर कर दी। तुम मेरे दामाद नहीं, बेटे हो बेटे। ऐसे ही मैं चलता हूँ। जीते रहो और इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहा ना शुक्रिया की कोई बात नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा दामाद बहुत अच्छा है। आजकल क्या माली नहीं आ रहा यहाँ पे? क्या आता है, अपनी मर्जी का मालिक है। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी प्लॉट के लिए कैश पेमेंट ले आया। कितने बेटा? 7 लाख जितने आपने कहे थे। हरीबा से कहना कि संभाल के रखेगी। जी बेहतर। आमिर दीदार ही नहीं हो रहा तुम्हारा, कहाँ गए वो? मैं कहाँ आऊंगा, ऑफिस और घर। तुम बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसा जा रहा? अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा जा रहा है। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला मुझे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह मेरे बेटे को और कामयाब करे। सम्मी आपकी दुआएं और अल्लाह का करना है। आपने इतना मेरा साथ दिया ना, बस अब मेरी जिंदगी में एक ख्वाहिश रहेगी कि मैं आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन के दिखाऊं। इंशाल्लाह, क्यों नहीं बेटा, जरूर। बस मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए। आप देखिएगा कि मैं जिंदगी में और अपने काम में दोनों में तरक्की करूं। इंशाल्लाह। अम्मी मैं चेंज कर लेता। ठीक है बेटा। हरीबा, हरीबा। जी अम्मी। बेटा ये बैग संभाल के रखना अपनी अलमारी में, और इफ़त को भी बता देना इसमें कुछ रकम है। जी अम्मी। अरे इस वक्त कौन आ गया? वो अभी मैंने खाना मंगवाया था आपके लिए, तो वो राइडर आया होगा, देख के आता हूँ मैं। ठीक। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा बेटा, पागल कहीं का। हर वक्त बस इससे मेरी फिक्र लगी रहती है, ये खा लूं वो खा लूं, बस बेवकूफ। ये क्या भाई, आप आज ही आए और आज ही जा रहे हैं? अरीबा मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम था, सिर्फ 6 दिन के लिए आया था। हमारी कंपनी का क्लाइंट इसी शहर में रहता है, सो उसे मीटिंग फाइनल करने में पता ही नहीं चला, और अब 4 घंटे बाद मेरी वापसी की फ्लाइट है। भाई देखो, अब तुमसे मिले बगैर जाता तो तुम नाराज हो जाती, सो मैंने सोचा मिलता जाऊं तुमसे। यार आमिर समझाओ ना इसे। और हाँ, ये कुछ फिलहाल चॉकलेट लेके आया हूँ। अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी, आप आ गए हमारे लिए ही काफी है। वाव, थैंक यू भाई। यू वेलकम। ओके आंटी, इजाजत। बेटा ये चॉकलेट साथ ही ले जाओ ना, सफर में तुम्हारे काम आएगी। अम्मी भाई चले, हम लेट हो रहे हैं। ओके टेक केयर। कंजूस कहीं का, जरा सा भी दिल बड़ा नहीं है। इससे तो अच्छा मेरा दामाद है। आंटी आपको इतने इंसल्टिंग वे में बात नहीं करनी चाहिए थी मेरे भाई से। वो इतनी दूर से मुझसे मिलने आए थे, हालांकि उनके पास टाइम भी नहीं था। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? बहन के ससुराल आ रहा था, कोई केक मिठाई फ्रूट का टोकरा ही ले आता। अरे इतनी सी चॉकलेट लेकर आया वो।
उससे तो अच्छा मेरा दामाद है, जब भी घर में आता है लदापद आता है। This is not fair, आमिर। पासल भाई क्या सोच रहे होंगे? आंटी को बिल्कुल भी एहसास नहीं है। उन्होंने सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी इंसल्ट की है। वो तो अपने दामाद को ऐसे शो करती हैं जैसे वो ऑल इन ऑल हो, और मैं तो जब भी रियाज भाई को देखती हूँ ना, मुझे हमेशा नेगेटिव वाइब्स आती हैं। अच्छा तुम ज्यादा मत सोचो, कम से कम इफ्फत का तो ख्याल करो। इफ्फत का ख्याल ही कर रही हूँ, वरना आप तो सब कुछ जानकर भी अनजान ही रहते हैं। क्या हुआ है तुम्हें? क्या क्या मुझे क्या होना है? ने भौंकलाया भी क्यों? कुछ भी नहीं भौंकलाया, क्या बात क्या है? क्या इन्वेस्टिगेशन करने आई हो? अम्मी बुला रही थी आपको। तो ये कहो ना, इसे कहो मैं आ रहा हूँ, जाओ। हाँ हाँ काम हो गया, बस मैं बस निकलने में तैयार हूँ, आ रहा हूँ। अरीबा अरीबा। जी अम्मी, आपने बुलाया? वो मैंने तुम्हें पैसों का बैग दिया था ना संभाल कर रखने को, वो लेकर आओ, भारत स्टेट एजेंसी वाला आने वाला है, उसको देने हैं। जी बैग कहाँ गया? यही तो रखा था मैंने। अम्मी आमिर, अम्मी अम्मी अम्मी, वो बैग नहीं है अलमारी में। मैंने तुम्हें वो पैसे संभाल कर रखने को दिए थे ना, फिर कहाँ रख दिया वो तुमने बैग? अम्मी मेरा यकीन करें, मैंने वही रखा था बैग। जमीन निकल गई या आसमान खा गया, तुम्हें अंदाजा भी है उस बैग में कितने पैसे थे? क्या हुआ अम्मी? इसको मैंने पैसों का बैग दिया था रखने को, न जाने इसने कहाँ रख दिया। अम्मी अरीबा इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है, रूम में ही होंगे पैसे। हाँ तुम्हें अपनी माँ की बात पे थोड़ी यकीन आएगा, तुम्हें तो इसकी बहुत भी यकीन आएगा ना। पूछो इससे किसको दिए इसने पैसे। अम्मी ये आप क्या कह रही है, मुझ पे इल्जाम लगा रही है आप? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, तुम्हारा भाई आया था ना, उसके हाथ में काला बैग था, तुमने उसी को पैसे दिए होंगे। लगाओ उसे फोन, बुलाओ उसको, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अम्मी क्या कह रही है, मेरे भाई क्यों लेके जाएगा? अच्छा तुम्हारे भाई के अलावा तो इस घर में कोई नहीं आया, इफ्फत भी थी, बल्कि रियाज से भी पूछ लो जब वो गया है, तुमने उसी को बैग दिया, मैं कह रही हूँ बुलाओ उसे। अम्मी प्लीज। तुम परेशान ना हो, मैं जाके देखता हूँ, ठीक है? कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर, अपने बेटे से पढ़कर अपने घर में और अपनी जिंदगी में जगा दी, और तुमने अम्मी वो मत कहो मुझे। अम्मी मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने सांप को दूध पिलाया, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। कहाँ जाऊंगा,
भाड़ में जाओ मेरी तरफ से, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है, मैं और इफ़त इस सड़क किनारे जाके बैठ जाते हैं और क्या। चलो इफ़त। इफ़त कहीं नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, ना आज ना कल। तुम जैसे धोखेबाज और मकार इंसान के साथ वो कभी भी जिंदगी नहीं गुजारेगी। अमीर प्लीज, अमीर तुम तो समझ सकते हो। देखो ये सब कुछ जो कह रहे हैं ना वो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।